जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बमनीडीह अंतर्गत कपिसदा बंसुला मार्ग की सड़क काफी बदहाल हो चुकी है। सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। वहीं इसी मार्ग पर एक छोटा पुल भी है जो पिछले एक वर्षों से टूटा हुआ पड़ा है। जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बमनीडीह अंतर्गत कपिसदा बंसुला मार्ग की सड़क काफी बदहाल हो चुकी है। सड़क में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। वहीं इस मार्ग पर एक छोटा पुल भी है जो पिछले एक साल से टूटा पड़ा हुआ है, जिसमें राड भी निकला हुआ है और यहां सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। बता दें कि कपिसदा बंसुला मार्ग कच्ची सड़क है, जिसे विकसित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। कच्ची सड़क के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि आम दिनों में धूल मिट्टी, जबकि बारिश के दिनों में इस मार्ग पर कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस मार्ग की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे वह लोग बदहाली के शिकार हो रहे हैं। वहीं इस मार्ग में एक पुल भी है जो पिछले एक साल से टूटा पड़ा हुआ है, जिसके राड निकले हैं, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जयजयपुर को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है, जिससे इस मार्ग में चार पहिया वाहन भी चलते हैं, जिससे पूरा सड़क धूल से भर जाता है। साथ ही इसी मार्ग से होकर विद्यार्थी अध्ययन करने जाते हैं, जिसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जनपद अध्यक्ष सरोजनी बाबूलाल जायसवाल, सरपंच उप सरपंच रेणु छोटेलाल बंजारे ने स्थानीय विधायक, कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीईओ, बमनीडीह के अधिकारियों को इस मार्ग की सुध लेने की गुहार कई बार लगाई है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं इस मामले में जनपद सीईओ का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। उसका कहना है कि इसका प्रस्ताव सरपंच के पत्र के माध्यम से जिला पंचायत भेजा गया है, इसकी स्वीकृति हुई है या नहीं मैं अभी नहीं बता सकता। अधिकारी द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है। अब देखना होगा कि मीडिया में खबर आने के बाद इस पर कोई पहल की जाती है कि नहीं। बंसुला और कपिसदा के बीच में है और इस ये पुल पूरा टूटा हुआ है। इसमें हमको आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होता है और यहाँ पर रोड भी बहुत उबड़ खाबड़ है, बना नहीं है। पूरा मुरूम रोड है, इसमें एक बार भी रोड का कोई काम नहीं हुआ है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि चार पहिया वाहन भी चलते हैं, तो आप लोग स्टूडेंट है तो आपको कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमको बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मिट्टी मुरुम बने हैं, बहुत साल हो गए, 10-20 साल हो गए बने, माठे या पुलिया बीच है, टूट गए। आवागमन साधन बहुत रुक गए हैं, बहुत आने जाने में पढ़े लेकिन बहुत दिक्कत जाते हैं। मैं कई बार शिकायत करदा रहे हैं, लेके कलेक्टर के गए हैं, जिला सीओ के गए हैं, जिला सीओ मांगी से लेटर कागज बांध लिख के भेज लिख के एस्टीमेट वगैरह जमा करदा रहे, फिर भी अभी तक आज तक नहीं बनी सी। टीएल मीटिंग में रखा था कही कलेक्टर साहब, कितने सालों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? लगभग 1.5 साल से दिक्कत जाते हैं, और रोड भी है, मिट्टी मुरुम का मांग कर था, फिर भी आज तक मतलब मिट्टी मुरुम की भी काम नहीं देते आते हैं। पढ़े लेकिन परेशान कर रहे, आने जाने बनवा दे सरपंच का, फिर भी कहाँ से बनवा दे, यही तब तो शासन है। यहाँ पुल भी उखड़ा हुआ है तो पुलिया टूटे है, बहुत दिन हो गए मांग कर रहे हैं पुलिया खातिर, कलेक्टर कह रहे हैं, जिला सीओ कह रहे हैं। यहाँ चार पहिया आम वाहनों का भी आवागमन होता है, तो मेन रोड होने के कारण यहाँ दुर्घटनाओं का कभी सामना करना पड़ता है। कई घंटे पढ़े लेकर गिर गए, यहाँ से जो कुछ जाते पढ़े लेकर कपिसदा से बहुत लेकर गिर गिर जाते हैं। बंसुला से जो कपिसदा मार्ग बहुत ही जर्जर हो चुका है और उसका पुलिया भी टूट गया है, जिसके बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, उसका एस्टिमेट भी बन गया है, उसके बाद भी अभी तक का रोड की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, न अधिकारी लोग ध्यान दे रहे हैं। वो मार्ग बहुत जल्दी बनना अति आवश्यक है, नहीं तो क्षेत्र वाले उसके लिए उग्र आंदोलन। बंसुला का पिंडा रोड बहुत जर्जर है, पुल भी बहुत खराब है, कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसका प्रस्ताव सरपंच के पत्र के माध्यम से इसका प्रस्ताव यहाँ से बना के जिला कार्यालय भेज दिया गया है 6/6/18 को। उसके बाद फाइल मेरे पास अभी नहीं आई है, स्वीकृत हुआ है नहीं हुआ है इसके बारे में मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि बाबू आज छुट्टी। बमनीडीह से हेमंत जायसवाल की रिपोर्ट, ACN 20।